असलामुअलैकुम BDI Tube Infotainment आजकेर आयोजने आपनादेर साथे आछि आमी हासानुल इस्लाम। अनेक भारतीय मने करें बांग्लादेश भारत छाड़ा अचल, किन्तु बांग्लादेश के भारतेर दरकार नेई। आबार आरेक दल बांग्लादेशी मने करें बांग्लादेश शुधु भारत के दिएई जाए, भारत बांग्लादेश के किछुई देय ना, उल्टो मियांमारेर साथे भालो सम्पर्क करे बांग्लादेश के विपदे फेलछे। आसले कूटनैतिक सम्पर्केर कोनो सीमा नेई। भारत जेमन बांग्लादेश के चापे राखते मियांमार के सबमेरिन देय, ठीक एकई भावे बांग्लादेश और भारतेर कलिजाय एकटू कापन धराते चीन के सबमेरिन घाटी तैरि करार काज देय। बांग्लादेशेर एई कार्यक्रम देखे भारतीय विशेषज्ञरा दाबी करछे 1971 साले भारत भूल करेछिल बांग्लादेशके स्वाधीन करे। एखन भारतके बाध्य हयेई निजेदेर क्षति हलेओ बांग्लादेशेर सब आबदार मानते हय। भारतेर एमन दाबी यथायथ उत्तर देब भिडियो शेषे, तबे तार आगे आसुन देखे आसि कि बोलछे भारतीय मीडिया। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत के 3900 सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई, वही भारत के सैनिक जब गलवान में शहीद होते हैं बांग्लादेश की तरफ से कोई बयान नहीं आता। चीनी सैनिकों से झड़प होने के कुछ ही दिनों के अंदर खबर आती है कि बांग्लादेश को चीन की तरफ से जबरदस्त फायदा दिया जा रहा है और उनके 97% सामानों से ड्यूटी हटा ली गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री कहते हैं कि उन्हें आधिकारिक तौर पर गलवान में क्या हुआ इस बारे में भारत ने जब बताया नहीं तो उनके पक्ष के अंदर वो बयान आखिर दे कैसे। मगर असल बात यह है कि भारत ने ना केवल बताया था बल्कि आधिकारिक तौर पर सूचना दी थी कि कम्युनिस्ट चीन ने एक लोकतांत्रिक और आजाद देश के सैनिकों पर जमीन कब्जाने के लिए धावा बोल दिया था। इस बात को समझना जरूरी है कि 1971 के अंदर जो फैसले लिए गए थे उनकी वजह से भारत को बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंध बनाना भारत के लिए एक मजबूरी जैसा क्यों है। और साथ ही भारत के लिए इस समय बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दे हैं। बांग्लादेश को भारी चुनौतियों से निकालने वाली महिला भारत के लिए उतनी जरूरी क्यों है। विदेश नीति इतिहास से नहीं चलती, वो आज के समय की जरूरतों के हिसाब से चलती है और हर एक देश के नेता के लिए ये जरूरी है कि वो अपने देश के लोगों के लिए क्या फायदा निकालकर लेकर आए। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि बांग्लादेश को लंबे समय से जो चीन से फायदा मिल रहा है उसके चलते वो भारत चीन के बीच किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, केवल अपने लोगों का फायदा देखना चाहता है। ये बात भी जानना जरूरी है कि भारत ने 2014 से पहले चीन के खिलाफ कोई लॉबिंग नहीं की और यही वो समय है जब चीन बांग्लादेश के अंदर काफी अंदर तक घुसपैठ बना चुका है और हर एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर चीन इस समय शामिल है। समय के साथ बांग्लादेश की निर्भरता भारत से भी कई गुना ज्यादा चीन के ऊपर टिक गई है, मगर शेख हसीना के रहते चीन की इस दीवार को तोड़कर भारत के लिए एक बेहतर पार्टनरशिप की जा सकती है। 1971 के अंदर जो समस्या बांग्लादेश के रिफ्यूजीज को थी आज वही समस्या म्यांमार के रोहिंग्याओं को भी है, मगर बांग्लादेश इनको रखना नहीं चाहता। शेख हसीना चाहती हैं कि या तो इन शरणार्थियों को भारत रख ले क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, और या फिर भारत की मदद से इन रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाए म्यांमार। भारत की तरफ से बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज आए हैं उनके ऊपर अगर प्रेशर बनाया जाता है म्यांमार पे तो भारत के म्यांमार से रिश्ते खराब होंगे, बांग्लादेश को सीधे तौर पर फायदा होगा। बांग्लादेश स्वाधीन होते भारतेरो लाभ होयेछे। तारा शुधु बार बार बोले आम्रा बांग्लादेशके स्वाधीन करेछि और एखन ताराई आमादेर चोखे चोख रेखे कथा बोले। भारतीयदेर एमन कथार कोनो भित्ति नेई। भारत साहाज्य ना करलेओ बांग्लादेश स्वाधीन हतो, हयतो ता 2 बछरे हतो। माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना सब समय देशेर स्वार्थके गुरुत्व देन और एते भारतीय मीडियार माथा ब्यथार कोनो कारण देखि ना। रोहिंग्या शरणार्थी संकटे भारत यदि बांग्लादेशेर पाशे ना थाके ताहले बांग्लादेश बाध्य होएई चीनेर साथे सम्पर्क दृढ़ करबे, एटाई स्वाभाविक। चीन बांग्लादेशेर उन्नयन कर्मकांडे शुधु साहाज्य करछे एमनटा नय, बरं रोहिंग्या इस्युतेओ समर्थन करे आसछे। चीनेर चेष्टार फलेई बांग्लादेशेर साथे मियांमार अनेकबार बैठकओ करेछे। आमादेर साथे यदि आपनिओ एकमत हन ताहले कमेंट बक्से इएस लिखे जानिये दिन आमादेर, सेई साथे भिन्न कोनो मत थाकले सेटा जानातेओ भुलबेन ना। आजकेर भिडियो ए पर्यन्तई, तो देखा होच्छे परेर भिडियोते। से पर्यन्त सबाई भालो थाकबेन, सुस्थ थाकबेन और BDI Tube Infotainment-এর সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।